नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके मैथमेटिक्स बेसिक, जो आपका प्री बोर्ड हुआ है, जो इवनिंग वाले बच्चों का मैथमेटिक्स का क्लास टेंथ का बेसिक का पेपर हुआ है, उसका सोल्यूशन लेके आया हूँ। ये वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो है, इसमें केवल आंसर की बात होगी। इस वीडियो में आपको इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको केवल ऑफिशियल आंसर बताऊंगा कि इसका ऑफिशियल आंसर क्या आया है और आपने क्या टिक किया है। तो आप इस पे आंसर को मैच कर सकते हो अपने आंसर से, जिससे आपको पता लग जाए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। दूसरा वीडियो बनाऊंगा बच्चों, इसमें मैं आपको पूरा सॉल्व करके दूंगा। ये पूरा पेपर जरूर सॉल्व करके जाना पेपर से पहले, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का पेपर है जो सीबीएसई बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी आना चाहिए था। इस वीडियो में हम केवल आंसर की बात करें, आप आंसर मैच कर लीजिए। सेकेंड वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दूंगा। फर्स्ट का आंसर बी था, सेकेंड का आंसर आपका सी आएगा, थर्ड का आंसर आपका बी आएगा, फोर्थ के आंसर की बात करें तो फोर्थ का आंसर आपका 10 यूनिट आना था, 10 इकाई। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो आपका आंसर आना था 0 और 3, तो सी ऑप्शन है आपका, सी आना चाहिए था आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसको सॉल्व करने में आपका 1/2 आएगा, जो कि ए है। क्वेश्चन नंबर 7, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 9:1 आएगा, जो कि ऑप्शन डी है, तो डी आपका आंसर आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसको सॉल्व करोगे, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, तो 2 इकाई आएगा, 2 यूनिट आएगा आपका आंसर, तो बी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 0 आएगा, तो ए आपका आंसर है। अंडर रूट 2 जो होता है, हम सबको पता है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो सी जो होगा वो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसको सॉल्व करने पर 10 सेंटीमीटर आएगा, तो डी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 आप सॉल्व करोगे तो -2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, तो बी जो होगा वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूँ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 आएगा, एक्स की वैल्यू 15 आएगा, तो ए जो है वो उसका रिक्वायर्ड आंसर था क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 जब आप सॉल्व करोगे, तो 1/6 आएगा, जो कि डी ऑप्शन है, तो डी आपका आंसर होना चाहिए था। ये ऑफिशियल आंसर है, ये रियल आंसर है जो आपका होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक करना, क्योंकि इसमें कोई भी गलती नहीं मिलेगी, इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर चेक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका आंसर सी होना चाहिए, तो सी पे आपको टिक करना था, 4 इसका आंसर आता। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो के की वैल्यू जब आप निकालोगे तो -10 आएगा, जो कि बी है, तो बी आपका आंसर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 17 जब आप सॉल्व करोगे तो -2 और -1 आएगा, 2 और -1, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, तो आपका आंसर डी आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी, आपको कंडीशन पता होगी 0 से 1 होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए था, तो ए आपको आंसर लगाना था। क्वेश्चन नंबर 19 जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 77/2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, तो सी आपका आंसर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो आपसे को प्राइम नंबर पूछा जा रहा था, तो 18 और 25 को प्राइम नंबर होता है जिनका एचसीएफ 1 हो, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सी जो था वो आपका रिक्वायर्ड आंसर था। यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हुआ था आपका। क्वेश्चन नंबर 21 जब आप सॉल्व करोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो आपका 13 किलोमीटर आएगा, जो कि सी है, तो आपका सी आंसर आना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 22 जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका 60 डिग्री आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन बी है, तो बी आपका आंसर आना चाहिए 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23 अगर आपने सॉल्व किया होगा तो ये आएगा 44 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस आपका 44 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 24 जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आपका जो एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, तो ए ये सैम्पल पेपर से लिया गया है, सीबीएसई सैम्पल पेपर से एज इट इज ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 3/13 आएगा, तो इस हिसाब से ए जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। यहाँ पे हमारे 4 मिनट के अंदर आधा पेपर सॉल्व हो चुका है, तो अगले 4 मिनट में हमारा ये पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल आपको आंसर बताना है ताकि आप अपने आंसर को मैच कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 26 जब आप सॉल्व करोगे तो इसका 45 डिग्री सी आंसर आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 27 जब आप सॉल्व करोगे इसका आंसर 36 आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 28 जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो इसका एक इक्वेशन बनेगा, जो कि इस प्रकार बनेगा, x² + 3x + 2, जो सी जो है वो उसका रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, जब आप cos² - sin² निकालोगे तो 7/25 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो जब आप इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, तो ए पे आपको टिक करना है 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 31 जब आप सॉल्व करोगे और अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो 1/1 आएगा आपका, एग्जैक्ट 1 आएगा, तो ए जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसे सॉल्व करोगे तो ए से आपका एज इट इज आंसर मैच करेगा, तो ए जो था क्वेश्चन नंबर 32 का ये रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और इस हिसाब से आपका 1:4 आएगा, यह बुक का ही क्वेश्चन है आपके, ये 6.4 से लिया गया, बुक का ही क्वेश्चन आपका, तो 1:4 आना था। जब यहाँ पर k की वैल्यू निकालोगे क्वेश्चन नंबर 34 में तो k की वैल्यू आएगी नॉट इक्वल टू 6, तो b जो आप था वो आपका रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन नंबर 35 पे जब आप cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा निकालोगे तो इस पूरे की वैल्यू 1/2 आएगा, तो b जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आना चाहिए था। अपने आंसर को मैच करते जाइए। यहाँ पर आपका नॉट e जब आप निकालोगे तो 0.65, इट मीन c जो होना चाहिए तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आना चाहिए था। चाप की लंबाई लेंथ ऑफ द आर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, तो ए जो होना चाहिए तो आपका रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए था। यहाँ पे असर्सन रीजन जो है वो आपको दिया हुआ है, तो असर्सन रीजन में पहले पार्ट में आपको दिया हुआ है कि अगर एक आंसर ये है तो दूसरा आंसर ये होगा, ये बिल्कुल ठीक बात है, और अपरिमेय शून्य हमेशा युग्म हो ये जरूरी ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो था वो आपका रिक्वायर्ड आंसर था, एक सही और एक गलत है, तो सी जो था उस पर आपको टिक करना था क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 में ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू थे, इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है सॉरी बच्चों, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं बट इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो था वो आपका 39 का, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 पे आपको बी पे टिक करना था। मैं रीजन आपको समझाऊंगा जब एक्सप्लेन करूंगा पूरा पेपर, तो आपको रीजन भी समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट सही था, और ये जो आंसर आता है वो इस फॉर्मूले की वजह से ही आता है जो एक्सरसाइज 6.4 में दिया हुआ है, तो ये आंसर इस फॉर्मूले की वजह से ही आ रहा है, तो रीजन भी सही है, इसलिए ए जो था क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ए जो था वो उसका रिक्वायर्ड आंसर था, तो ए पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ से आपका केस स्टडी स्टार्ट हो जाता है बच्चों, ये आपको स्टार के फॉर्म में एक दिया हुआ था केस स्टडी, ये आप कर सकते हो बड़े आसान से, बहुत ईजी केस स्टडी था इसके। अगर 41 क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर बी आएगा 1.6, तो बी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा जाता कौन सा ट्रू नहीं है, तो पी क्यू आर एस कोलिनियर नहीं है, तो ए जो था वो आपका रिक्वायर्ड आंसर था, ए पे आपको टिक करना था, 42 में ए पे आपको टिक करना था। 43 की बात करें जिसमें पी और क्यू के बीच की दूरी पूछी जा रही थी, तो 2 यूनिट पे आपको टिक करना था, इसका बी रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 44 में जब आप मिड पॉइंट निकालोगे तो 3.5.6 आएगा, तो बी जो था बच्चों इसका रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन नंबर 45 अगर आपने सॉल्व किया होगा, मिड पॉइंट का रेशियो होता है 1:1, तो बी इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बी पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आते हैं, लास्ट केस स्टडी आपको दिया हुआ है, एक छोटा सा केस स्टडी था राजा और अंकुश के बारे में, तो अगर आपने इक्वेशन बनाकर सॉल्व किया होगा तो पहले का आंसर 15 आएगा, 46 का आंसर आपका ए आएगा 15, वहीं पे 47 का जब आप आंसर निकालोगे तो 30 आएगा जो कि बी है, ये सॉल्व करके देख लेना इक्वेशन बनाया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 48 को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपको 20 आंसर आएगा, तो सी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि इस टाइप का जो इक्वेशन होता है उनके सोल्यूशन हमेशा यूनिक सोल्यूशन होते हैं, तो ए जो था इसका रिक्वायर्ड आंसर था आदित्य हल, तो 49 के लिए ए जो था बच्चों रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, ये अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ये प्रॉब्लम मैथमेटिक्स कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आपको चैप्टर का नाम भी याद होगा, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ए जो था रैखिक समीकरण के युग्म, ए जो था क्वेश्चन नंबर 50 के लिए ए जो था वो रिक्वायर्ड आंसर था। तो यहाँ पर यह खत्म होता है बच्चों, ये केवल मैं आपको आंसर की बताने आया हूँ, अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करें, क्योंकि सभी पेपर दे के आए और सब ये चाहते हैं कि वो देखें कि उनके कितना आंसर सही है, इसके अकॉर्डिंग ये ऑफिशियल आंसर है तो इसमें कोई गलती नहीं है, तो आप आराम से देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हालांकि मैं इस पेपर का आपको पूरा सोल्यूशन दूंगा लाइव वीडियो, जब 9:15 बजे मैं आता हूँ तो मैं आपको पूरा इसका वीडियो का सोल्यूशन भी बताऊंगा कि इसका आंसर आप कैसे निकाल सकते हो। तब तक आपको नमस्कार।